बिल्कुल न्यू मिठाई, मैंगो स्वीट है ना, बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो मेन इन्ग्रेडियंट है वो है मैंगो। जी हाँ, मैं मैंगो से बनाने वाली हूँ, आम से बनाने वाली हूँ। सबसे पहले इसे मैं कर ली हूँ पील, और इसके पल्प को हमें यूज़ करना है। मैंगो का सीज़न आ ही गया है, वैसे लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे घर में, अभी लोग नहीं ला पाए होंगे, लेकिन बहुत जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा फिर लोग ला सकते हैं। और ये मिठाई बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डिफरेंट है टेस्ट में। आपने मालपुआ तो बहुत खाया होगा, बट ये मालपुआ आप कभी नहीं खाए होंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए, इसका हमें सारा पल्प चाहिए, तो इसको मैं काट के निकाल ली हूँ, और इसके जो गुठली होती है उसको साइड कर ली हूँ। यहाँ पे मैं हाफ कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ जो आम आया है वो एकदम मीठा है, आप टेस्ट कर लें, तो फिर चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट ये जो आम है ना ये खट्टा है, तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए। और इसे मैं अच्छे से पीस ली हूँ, और ये हो गया है बहुत ही थिक पल्प, हमें मिल गया है मैंगो का। यहाँ पे मैंने कोई दूध कोई पानी ऐड नहीं किया था, केवल मैंगो पल्प है। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप सूजी, रवा मैं ले रही हूँ हाफ कप। अब मैं आपको बता दूँ, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ वो है हाफ कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ सूजी में इसे बना सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ मैदा में इसे बना सकते हैं। तो मैं हाफ कप मैदा भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो सूजी हाफ कप एंड हाफ कप मैं मैदा यहाँ पे ले रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है मिल्क पाउडर। कोई भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है जो हम मिठाई बनाने वाले हैं, जो हम मालपुआ बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा इसमें एक सॉफ्टनेस भी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 5 स्पून मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे 5 स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ वो है बेकिंग पाउडर। 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है ये। अब इन सबको अच्छे से कर दें मिक्स। उसके बाद मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे 1 कप ये जो हमने पल्प बनाया था ना मैंगो का, शुगर ऐड करके। तो गाइस, अब इन सबको अच्छे से कर दें मिक्स। यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ पानी, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा बैटर बन जाए। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, बट दूध का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, और एक टाइट बैटर ही बनाना है हमें, बहुत रनिंग नहीं बनाना है अभी। तो इसे अच्छे से कर दे मिक्स, और इस तरह का बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, बहुत रनिंग नहीं है, इस तरह का बैटर है। तो अब इसे हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए, रेस्ट होने के लिए, ताकि सूजी अच्छा से फूल जाए। तो इसे रख देते हैं साइड में रेस्ट होने के लिए। ये देखिए, 15 मिनट्स हो गया है, और देखिए ये कितना थिक हो चुका है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब बिल्कुल एक रनिंग जो होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, वो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी। इसे अच्छे से कर दे मिक्स, ताकि थोड़ा सा फ्लोइंग बने वो बैटर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का बैटर होना चाहिए, इस तरह का, ताकि जब हम डालें तो बिल्कुल इस तरह से गिर जाए। बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये तेल गर्म हो चुका है। आप इस तरह के पैन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक साथ ज़्यादा आप निकाल सकते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे ऐड करें, डाल दें। जैसे डालेंगे वो खुद ब खुद शेप ले लेगा। तो किसी कलछल से या बड़े स्पून से आप यहाँ पे डाल दें। तो इस तरह से इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, और 2 से 3 मिनट में ये एक साइड में टर्न कर दें आप, कुक हो जाती है, और फिर नेक्स्ट साइड आप कर लें। हार्ड 5 से 6 मिनट लगता है और ये बनके बिल्कुल रेडी हो जाती है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल मिठाई है, बट इतना स्वादिष्ट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जब खाएंगे ना, तो ये मतलब इसकी जो टेस्ट है ना, वो इतनी अच्छी आती है, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंगो का मालपुआ भी कभी हो सकता है। अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं 1 स्पून हनी। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और बच्चे तो बहुत ही चाव से ये खाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो चाशनी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मीठा हमने सफिशियंट डाल रखा है, तो ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप कोई ड्राई फ्रूट से गार्निश करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ऐसे भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए एकदम परफेक्ट हमारे मैंगो स्वीट बनकर रेडी हो चुकी है। इस लॉकडाउन में जब हमारे पास कोई और मिठाई ना हो खाने के लिए, सारा मार्केट भी बंद है, तो इस टाइप की आप न्यू न्यू रेसिपी बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। और देखिए बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ ये रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है, यूनिक मालपुआ रेसिपी।